उत्तराखंड में 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहतर तैयारी का दावा किया है। वहीं डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी लाखों लोगों के कुंभ में पहुंचने की बात कही, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वह खुद अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। वही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सरकार ने महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए अब तक व्यापक पैमाने पर कोई तैयारी नहीं की है। कांग्रेस और वह खुद सरकार के खिलाफ अब सड़क पर आंदोलन करते नजर आएंगे। नहीं, कुंभ पे बहुत सही काम चल रहा है और एकदम समय पूर्व वहां पर काम पूरे हो जाएंगे। उस पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेला अधिकारी लगातार उस पर, वो तो फील्ड में ही हैं। और निश्चित रूप से जो कुंभ के जो काम हैं वो समय पर। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा कि तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, बेहतर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन विपक्ष को तैयारियां शायद दिखाई नहीं दे रही या फिर विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश ने कहा निशाना सरकार पर साधा, आयोजन के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी नहीं दिखाई दे रही है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन, इंदिरा हृदयेश का ये कहना है। इधर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर बेहतर तैयारियां हैं।